अच्छा वेक्टर हमने खत्म कर दिया है ना, हाँ ठीक है ठीक। काइनामेटिक, काइनामेटिक्स, करें शुरू, हो गया शुरू, पहले ही शुरू हो गया। अच्छा 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 ठीक है, तो वही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज नया नया चैप्टर जो है वो आपका चालू होने वाला है, जिसका क्या नाम है बच्चों, काइनामैटिक्स। तो बेसिकली आज मैकेनिक्स वाले पार्ट के अंदर एंट्री हम लोग मार चुके, ठीक है। अच्छा इससे पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसको भूलना मत, आपस में बातें बंद और मेरी बात पर ध्यान दें। इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा है वो वाला पार्ट के अंदर वेक्टर वाला जो पार्ट है, देखो यूनिट डायमेंशन कहीं भी और काम नहीं आएगा, पर वेक्टर वाला जो पार्ट है ना वो अब दुनिया में सब जगह काम आएगा, तो इसीलिए वेक्टर वाले पार्ट को छोड़ना नहीं है। हाँ बेटा दुनिया में भी बहुत काम आता है, अगर हम दिशाहीन हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसीलिए यू ऑलवेज नीड अ डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा, वेक्टर, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी, और साथ साथ वेक्टर के लॉज को फॉलो भी करे, तभी तो वेक्टर कहलाता है वो। तो इसीलिए बेटा दिशाहीन नहीं होना है, दिशा के हमेशा साथ रहना है, समझ गए। चलो क्या तुम दिशा पटानी की बात कर रहे थे? तो बेटा जब हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर एंट्री मारते हैं तो काइनेमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग अभी फोर्सेस की कोई बात नहीं करते, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट फोर्सेस एट ऑल। एफ इक्वल्स टू एम एम, मुझे पता है कि तुम लोग सब जानते हो, पर अभी हम लोग जितने भी रिलेटेड पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स से जुड़े हुए, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, इन सब के बारे में चर्चा जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई नई चीज के बारे में बात नहीं होगी। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग दो अलग अलग पोर्शन जो है बेटा वो पढ़ेंगे, एक पार्ट होगा आपके 1D मोशन का, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 2D मोशन। 2D मोशन में आप लोगों को बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता लगेगा, और 1D मोशन में जो स्ट्रेट लाइन मोशन अपना होता है वो, और इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D मोशन में दो पार्ट, 2D मोशन का एक पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा 2D मोशन आप लोग जब एनसीईआरटी वगैरह देखते हैं तो उसमें मोशन इन अ प्लेन के नाम से दिखता है, वो जो मोशन इन अ प्लेन है उसमें ये लोग सर्कुलर वर्कुलर सब एक साथ पढ़ा डालते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी स्टाइल है, ठीक है ना। अपन ने हर चीज को चैप्टर के अंदर ब्रेक कर रखा है, तो इसलिए ये मत सोचना सर 2D मोशन में तो सर्कुलर भी आता है, सर्कुलर का चैप्टर ही पूरा अलग है, उसको हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। क्लैरिटी है ना इस चीज में, प्लीज डोंट कंपेयर दिस टीचिंग विद योर एनसीईआरटी बुक्स। अगर कोई मेरे पास में आया सर वो एनसीईआरटी में ऐसे दिया था सर, तो वो रोता हुआ जाएगा, ठीक है, तो आना मत, ठीक है। तो इसलिए बेटा 1D मोशन की हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो इसके बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जल्दी से बोलो क्या क्या पढ़ना है अपने को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बोलो बे, और क्या होता है स्पीड, और क्या होता है बेटा वेलोसिटी, हाँ जी वेलोसिटी के अलावा, और इन सबको आपस में कनेक्ट करने वाला कौन, टाइम, इसकी तो बात ही नहीं की सर, इन सबको आपस में कनेक्ट करने वाला कौन, एकमात्र चीज, और वो है समय, मैं समय हूं, है ना। लॉकडाउन में तो देखा होगा महाभारत, देखा था, मैं समय हूं, है ना, उसमें बढ़िया स्पेस साइंस वगैरह दिखाते रहते हैं, प्लैनेट्स दिखाते रहते हैं, देखा है आपने, तो महाभारत जब आपने देखा होगा तो उसमें बैकग्राउंड में आता रहता है, मैं समय हूं। है कोई समय अपनी क्लास में, तुम्हारा सबका समय अच्छा चल रहा है ये मान के चलना, चाहे नहीं भी चल रहा हो, पर हमेशा मानना क्या चाहिए, अपना सबका समय अच्छा चल रहा है, ठीक है, वॉट एवर बी द टाइम, हाउ एवर बी द टाइम, अच्छा चल रहा है, समझ गए। नजर नहीं आ रहा तेरे को, तू ज्यादा छोटी है या ये बीच में आ रहा है, ये बीच है, अच्छा रसगुल्ला। चलो चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जिसकी बात करते हैं बेटा वो क्या है आप लोगों का, मोशन। किसकी बात करते हैं अपन लोग, सबसे पहले मोशन के ही बारे में बात की जाए। और बेटा मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम क्या बोलते हैं, दैट बॉडी इज इन मोशन। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, घंटे भर यहीं खड़ा हुआ हूं, दो घंटे यहीं खड़ा हुआ हूं, तो क्या बोलोगे, मैं मोशन में हूं, बिल्कुल नहीं। पर अगर अभी आपने अच्छा मैं E2s में हूं तो
अगर बेटा मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और आपने देखा है 2 सेकंड बाद में यहाँ पहुंच गया, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैं मूव कर रहा हूं, है ना। मैं अगर मूव कर रहा हूं किसी के रिस्पेक्ट में, कोई मेरे को देख रहा है और उसने मेरे को ऐसे देखा कि मैं अपनी जगह से हिल रहा था, डुल रहा था, आगे की तरफ जा रहा था, कहीं पीछे जा रहा था, गोल गोल घूम रहा था, हवा में उड़ रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, क्या कुछ भी हो सकता है? पर अपनी उस पोजीशन पे फिक्स नहीं था। तो इफ माय पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि मैं क्या, ये वाली बात क्लियर है? चलो भाई, तो इसीलिए मोशन को हम लोग डिफाइन इसी प्रकार से करते हैं कि व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी लिख लो, व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, स्पीड से लिखना एकदम, व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, फटाक से लिख लो। जो लोग नहीं लिख रहे बेटा उनको समय मिल रहा है तो लिख ही लो ना, पुराने नोट्स वोट्स को छोड़ो, पुराने धुराने सब पुराने हो गए बेटा, उनसे भला होना होता तो हो ही जाता ना। तो इसीलिए नए बना लो, पुरानी कॉपियां साथ में रख कर मत बैठा करो, कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा आज तक क्या पढ़ रहे थे, या फिर ऐसा लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं बेटा पढ़ लो, है ना, दोबारा बना लो। अगर मैं कोई चीज लिखने को बोल रहा हूँ प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है? ऐसा मत सोचो पहले का लिखा हुआ है अब क्या करूंगा लिख के, क्लास में बैठे हो सब लिखो जो भी मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट लिखने को वो, और जितने सवाल दे रहा हूँ सब सॉल्व करो तरीके से, क्लैरिटी है, नहीं तो क्लास का मतलब ही क्या हुआ? तो उसका फायदा उठाओ अगर क्लास में हो मेरे सामने हो तो, ठीक है ना भाई? ठीक है, अभी मिस्टी दो ही, समझ में आ गया तेरे को? चलो, तो बेटा मोशन के बारे में हमने देख लिया, है ना, व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, है ना, और ब्रैकेट में लिखना ऑल्सो ऑब्जर्वर, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज हो ही रही है और ये बेटा ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑल्सो ऑब्जर्वर, क्योंकि बेटा अगर ऑब्जर्वर इन्वॉल्व नहीं होगा तो कैसे पता लगे? अभी मान ले मेरे ऊपर चींटी बैठी है, मैं चाहे चल भी रहा हूं पर चींटी को क्या लगेगा? मैं तो रेस्ट में हूं, चींटी तो सर पे बैठ गई, वो अलग बात है आगे बैठ जाएगी तो फिसल के गिर जाएगी, पर वो फंस के बैठी हुई थी। वो कैसे बैठी हुई थी बेटा? फंस के बैठी हुई थी, उसने पकड़ रखा था मेरे बालों को, और क्योंकि उसने मेरे बाल पकड़ लिए इसीलिए जहां जहां पर मैं चला वहां वहां चींटी चली, तो चींटी को मैं चलता हुआ दिखूंगा क्या? चींटी विल से वॉट, ये तो रेस्ट पे है और मेरे लिए चींटी क्या है? रेस्ट पे। जबकि कोई दूसरा आदमी क्या बोलेगा? चींटी भी चल रही है और मैं भी चल रहा हूं, क्या ये वाली बात क्लियर है? तो इसीलिए सारी कहानी ऑब्जर्वर डिपेंड है। अच्छा, दूसरी बात होती है मोशन के बाद में रेस्ट, मोशन के बाद क्या आता है बेटा? रेस्ट। तो जो रेस्ट वाली बात हम लोग करते हैं, इस रेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्या रेस्ट का मतलब है? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट होगा, है ना। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुन लो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट रेस्ट दुनिया में पॉसिबल है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल होता है? मैं यहां खड़ा हुआ हूं, 2 दिन तक यहीं खड़ा था, तीसरे दिन भी यहीं खड़ा था, चौथे दिन भी यहीं खड़ा था मैं, तो क्या मैं रेस्ट पे हूं? अरे क्यों नहीं हूं यार, यहीं खड़ा हुआ हूं, तुम लोग देख रहे हो रेस्ट पे नहीं हूं क्या? अरे तुम्हारे लिए रेस्ट पे ही हूं ना, है कि नहीं? तो मैं तो रेस्ट पे था, पर यही एक आदमी चांद पे खड़ा होकर मेरे को देख रहा था। चांद मतलब वो ऊपर वाला, इसकी बात नहीं हो रही है, फिर बता रहा हूं, ठीक है? चांद कौन सा? वो प्लेनेट वाला चांद, मून। तो अगर कोई मून पर खड़ा होकर मुझे देख रहा है तो उसको तो पूरी अर्थ ही मूव होती हुई दिख रही है कि नहीं? अर्थ अगर उसको मूव होती हुई दिखेगी तो यार ऑब्वियस है मैं भी उसको ऐसे ही जाता हुआ दिखूंगा, तो क्या उसके लिए मैं रेस्ट पे हूं? नहीं। तो रेस्ट और मोशन जो है ना, दोनों ही बेटा रिलेटिव टर्म्स होते हैं, और हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को भी डिफाइन नहीं कर सकते। हमें अर्थ पे तो क्या लग रहा है कि हम बस सीधे चल रहे हैं या फिर पीछे चल रहे हैं, पर मार्स वाले को क्या दिख रहा था? हम तो घूम भी रहे हैं, है ना, और साथ साथ हम तो रिवॉल्व भी हो रहे हैं, बोलो बे। तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहां से चीजों को देखते हो, कहां पर बैठ रहे हो, उसी के हिसाब से सब चीजें डिफाइन होती हैं। क्या ये बात क्लियर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना पता होना चाहिए कि फ्रेम कौन सी जगह होती है जहां बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे तुम वहां बैठे हो तो तुम हो गए फ्रेम और तुम मेरे को देख रहे हो, मैं यहां पर बैठा हूं तो मेरे लिए क्या हो गया? मैं खुद फ्रेम हूं और मैं तुमको यहां पर क्या बैठा हुआ देख रहा हूं। तुम क्या कमेंट करोगे कि सर इज टीचिंग अस? मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रॉम मी। क्या दो अलग अलग फ्रेम है? कभी मैं वहां पर भी बैठा हुआ था, अरे बोलो ना, वो मेरा फ्रेम रहा होगा,
पर अब मैं यहां आ गया तो ये मेरा फ्रेम हो गया, तो फ्रेम ऐसे चेंज होता है। जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा, नीट तो ऐसे ही निकाल लिया था, पर जब तक नहीं निकलता एग्जाम तब तक बस निकल जाए, कुछ भी होके निकल जाए, ऐसा लगता है ना। और ऐसा भी होता है कि टेंथ में आते हैं तो नाइन्थ का सब आसान लगने लगता है, और जब नाइन्थ का नाइन्थ में थे तब सब कुछ मुश्किल लगता है, होता है, सब फ्रेम ऑफ माइंड है वो। इसीलिए बोलते हैं सारा खेल इसी का होता है। अगर आपने मन में किसी चीज को ठान लिया तो कर जाओगे, और अगर ठानोगे ही नहीं तो फंस जाओगे, है ना। तो आज ठान लो बस कि इस क्लास के अंदर जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे बच्चे नीट सेलेक्ट होकर दिखाएंगे 2022, राइट? हो सकते हो? Yes, हाँ या ना? Yes, sir. ये भी नहीं बोल पा रहे क्या? Yes, नहीं बोल पा रहे? नो yes, सर no, yes, सारे सेलेक्ट होंगे, हाँ या ना? वेरी yes, गुड। तो चलो आओ बेटा, रेस्ट के बारे में बात हो गई, एक लाइन लिख लेना, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन कैनॉट बी डिफाइंड, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन कैनॉट बी डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे दूरी, डिस्टेंस। किसकी बात होगी बेटा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अंदर लिख ले एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। लिखो लिखो, कोई छोड़ेगा नहीं। मैं यहां पर एक आदमी खड़ा करूंगा बेटा क्लास के बाद में, सबको नोट्स दिखाते हुए जाना है आज, मजाक नहीं कर रहा मैं, इसीलिए नोट्स बनाना शुरू कर दो। एक्चुअल डिस्टेंस, क्या आप क्या बोला था मैंने? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। जिस भी पाथ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, सच्चाई है ना, इसीलिए उसको हम लोग डिस्टेंस नाम देते हैं। डिस्टेंस के साथ में कोई डायरेक्शन वगैरह अटैच होती है क्या? तो अगर मान ले एक पॉइंट ये था ए, दूसरा पॉइंट ये था बेटा बी, और ए से बी जाने का एक रास्ता तो बेटा ये था, एक रास्ता बच्चों ये था, एक रास्ता बच्चों ये था। मैं गया बेटा इस पहले पहले रास्ते से, ठीक है, या मैं गया इस दूसरे रास्ते से, या मैं किससे जा सकता हूँ, तीसरे रास्ते से, ठीक है। तो अगर मैं पहले रास्ते से गया तो क्या ये पूरा डिस्टेंस होगा? इसकी पूरी की लेंथ निकालनी पड़ेगी तेरे को, इंच टेप लगा लगा के निकाल सकता है। दूसरे से गया तो इसकी पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी, तीसरे से गया तो इसकी पूरी निकालनी पड़ेगी। बोलो क्या सही है? ध्यान रखें डिस्टेंस के साथ में कोई डायरेक्शन अटैच नहीं होती है, उसको प्लेनली हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और इसीलिए डिस्टेंस स्केलर होता है। तो जल्दी से यहां पे डिस्टेंस लिखा है ना, उसके नीचे लिख ले स्केलर। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर, जानते हो सीजीएस यूनिट? इतना सोच रहे हैं जैसे कोई न्यूटन का डायन बनाना हो। मीटर का क्या? सेंटीमीटर, सीजीएस ही तो बतानी थी, पता नहीं क्या करते हो। हाँ भाई, तो स्केलर हो गया और यूनिट क्या हो गई इसकी? मीटर। ध्यान रखें इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आपकी जो डिस्टेंस है बेटा ये पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये इस तरह की स्केलर क्वांटिटी नहीं है जो नेगेटिव भी हो पाए। क्या स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव? कैन ए स्केलर क्वांटिटी बी नेगेटिव? यस और नो? कितने लोग यस? हाथ उठाओ ना ढंग से, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? और कितने लोग नो? हाँ, बाकी लोग तुम वही हो क्या? कह नहीं सकते हैं? अरे बीच वाले तो नहीं? यस नो और कांट से? नो वाले कितने हैं? हाथ उठाओ बिना डरे, नो। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी, शायद आपने वर्क डन के बारे में सुना होगा, वर्क डन स्केलर है, वेक्टर है, नेगेटिव नहीं होता वर्क डन होता है। अब कैसे हो गया स्केलर के साथ में बेटा? ये थोड़ी ना है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव आल्सो, बस उनकी डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होता उनके पास? स्केलर जो होता है यानी अदिश राशियां जो होती हैं, ये वाली जो क्वांटिटीज हैं बेटा, इनके पास में सिर्फ क्या मिसिंग होता है? डायरेक्शन। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? पर डिस्टेंस एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव नहीं होगी। अभी कुछ समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस के बारे में हमारी बात हो गई, और इसके बाद में बात किसकी होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन नहीं है तो पॉइंट है ना, पॉइंट है ना, पॉइंट। तो एक्चुअल लेंथ पॉइंट हो गया, बस जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं वही हूं।
तो उसको क्या बोलेगा, कितनी डिस्टेंस चला, आंसर क्या आएगा? इफ यू आर एट रेस्ट व्हाट इज योर डिस्टेंस? ऐसा, अरे डेफिनेशन के ऊपर मत जा, एक जनरल चीज को सोच। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं कहीं चल के गया ही नहीं। तूने बोला कि 10 मिनट बाद भी मास्टर वहीं खड़ा था, तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी? बोलेगा ना जीरो या नहीं बोलेगा? ऐसा डिफाइन ही नहीं कर सकता मैं डिस्टेंस। जीरो बोलेगा ना आंसर, तो फिर यही तो बोल रहा हूं बेटा, समझ गया क्या? हाँ तो रेस्ट तो रिलेटिव टर्म है ना, यहां तो रिलेटिविटी लग गई ना यार, दोनों बातें अलग है। ऐसे मत बोल, इसको ऐसे समझ के मास्टर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है, क्योंकि वो चल के ही नहीं गया कहीं, समझ गया? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, आपको इनिशियल और फाइनल जो आप लोगों की पोजीशंस होती हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, लिखा डन। तो अब देख लो, अगर मान लो ए से तुम लोग शुरू किए थे और बी पे खत्म किए थे, तो 1, 2, 3 में कौन है डिस्प्लेसमेंट? अरे 1, 2 और 3 में डिस्प्लेसमेंट कौन है? 3 आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या इसमें डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है? क्योंकि हमें एक डायरेक्शन देना होगा। देख ऐसे जाएगा ना तो तू वहां पे सीधा पहुंच जाएगा, बोल सही बात है। डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है क्या? देनी नहीं पड़ती, पर डिस्प्लेसमेंट के आपके आपके लिए जरूरी है कि उसको बोले देख इस तरह से नाक की सीध में ऐसे चला जा तो वहां पहुंच जाएगा, या ऐसे चला जाए ऐसे चला जाए, समझ गए? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो यहां अगर हम लोग बात करें तो थर्ड इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट है ना, और वही जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप पढ़ते आए हो वो बेटा यहां पर डिफाइन होता है। क्लैरिटी है इस बात की? ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो लिखी ली। इस वाली पाथ में कौन सी पाथ है डिस्प्लेसमेंट की? थर्ड पाथ। बोलो क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? अरे बोल भाई, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, यूनिट यूनिट तो पता ही है ना तुमको। बोलो बे, मीटर। नापते किसमें है बेटा? मीटर में ही नापते हैं। ठीक, अब मैं यहां पर एक लाइन लिखने वाला हूं, आप लोग बताएंगे वो सही है या गलत है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अरे मैंने जो लिखा उसका जवाब दो, यस और नो, ये ठीक लिखा है गलत लिखा है? दिस इज ट्रू, एक मिनट ऑप्शन सुन, यस दिस इज ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है यस, दूसरा है नो, तीसरा है मेबी। क्या मेबी सही होगा? yes, भाई जरूरी थोड़ी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही बढ़ाओ। क्या पता मैं बस यहां से चल के यहां पहुंच गया, मैं मान ले 1 मीटर चला, तो 1 मीटर ही डिस्टेंस है और 1 मीटर ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पर क्या हो सकता है, मैं सीधा गया और फिर पलटी मार के इधर वापस भी लौट गया, तो क्या बेटा डिस्टेंस जो है वो तो इधर जाने का भी चुनेंगे और इधर जाने का भी चुनेंगे। बोलो सही है? yes, पर डिस्प्लेसमेंट तो बेटा इनिशियल फाइनल की मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर मान लो मैंने यहां से शुरू किया और मुझे यहां जाना था, दिस इज लेट्स से पॉइंट ए एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए से बी अगर मैं सीधा चला गया तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? ऐसे ही चल के गया तो हमने क्या बोला यहां पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? सही बोल रहे हैं, पक्का? इसके बाद में मैंने ये बोला कि मैं ए से बी तो गया, पर यहां पर मैं रुका नहीं बेटा, यहां से वापस मैं सी पर भी आ गया, तो मेरी जर्नी क्या थी, ए टू बी एंड देन बी टू सी। अब मेरी डिस्टेंस क्या होगी? मेरी डिस्टेंस होगी ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस क्या होगी? ए से बी और बी से सी। बोलो क्या सही है? तो हम लोग ऐसे में क्या बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो यही तो बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस क्या है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन। बोलो, बोल सकता हूं। तो ये वाला टर्म प्रूव हो गया, ये टर्म प्रूव हो गया, ठीक है। पर एक और चीज बोलो, मान लो तुम तो बी से ए जा रहे थे, तुम तो कहां से कहां जा रहे थे, बी से ए की तरफ जा रहे थे, तो क्या बेटा नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट? अरे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन तो लेगा ना, तो ये डायरेक्शन अगर तूने नेगेटिव मान रखी है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव तो मानोगे ना, तो अगर मैं ए से बी से ए वापस आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट
बोलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन जो है वो क्या है, हमारी सेम है, बोलो है कि नहीं। ए से गया बी और बी से वापस कहाँ आया ए, तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। पर जीरो क्यों बोला, ए से बी में तूने इसकी डिस्टेंस मानी एक्स, बी से ए में क्या मानी, माइनस एक्स, हाँ या ना। तो अगर एक्स और माइनस एक्स को जोड़ेगा तो जीरो आएगा कि नहीं, तो डायरेक्शन कंसिडर करना जरूरी है। अब मैंने क्या बोला, बी से ए जा रहा है तू सीधे, तो इसको माइनस एक्स काउंट करेगा या एक्स, माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बी से ए का क्या काउंट करेगा, माइनस एक्स, जबकि डिस्टेंस एक्स। क्लैरिटी है। अब अगर बी से ए जा रहे हो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बी से अगर ए जा रहे हो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सेम थोड़ी है। नहीं सर, एक्स ही तो आ रहा है, एक माइनस एक्स है और एक, पर उनके मैग्नीट्यूड बराबर, कौन बराबर है, इसीलिए यहां पर हम लोग ऐसे साइन लगा के इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता है। अब देखो और इसको रिलेट करो जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, उल्टा लगा दिया, हाँ रुक जा, मैग्नीट्यूड गलत लगा दिया। अब देखो, दिख गया सबको, आपका जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, वो आपके डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उससे क्या होता है, हमेशा बराबर, आइदर बड़ा होगा या उसके बराबर बनेगा। क्या ये बात क्लियर है, कम तो कभी होने का चांस ही पैदा नहीं होता। क्लैरिटी है सबको, कम तो कभी होगा ही नहीं, या तो बराबर मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा। क्लैरिटी है। पर क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, क्या कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं थी, इसीलिए हमें किसके साथ गेम खेलना पड़ा, मैग्नीट्यूड के साथ। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन, 100%। चलो नोट कर लिया ये, तो फिर क्वेश्चन करना शुरू करो खटाखट। अगर ये नोटिया लिए तो क्वेश्चन जो है वो चालू कर दो। ये तो याद है ना तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे बोलो भाई, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो याद ही होगा, लिख देता हूं मैं दोबारा, देख लो भाई। देख वापस से आप लोगों के लिए x1, y1, z1 3D में ही ले लिया मैंने, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है 3D की, पर तो भी क्या 2D ले लेता हूं मैं, क्या मतलब है 3D, जब जरूरत तो पड़ेगी ना। और बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था आपका, x2, y2, आपका जो पार्टिकल था वो उड़ के कहां से कहां जा रहा था, इस पॉइंट को P बोला और इसको क्या बोला, Q, पार्टिकल मूव किया कहां पे बेटा, P से लेके Q, बोलो क्या ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, R1 वेक्टर, ऐसे ही Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, R2 वेक्टर। क्लैरिटी है। तो इस वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ याद आया, जहां से जहां जा रहे हो क्या उसी डायरेक्शन में एरो लगा दिया जाता है। अगर मैं P से Q गया तो इधर एरो लगा दे, और Q से P गया तो इधर एरो लगा दे। क्लैरिटी है इसमें। तो बोल डेल्टा आर वेक्टर। अच्छा पहले R1 R2 बोलो। R1 बोल X1 i कैप प्लस, ऐसे क्या देख रहे हो, अरे लिखना नहीं आता क्या। R2 वेक्टर बुलवाओ जल्दी, X2 i कैप प्लस Y2 j कैप, सही है बेटा। तो डेल्टा आर X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1 हो गया, ये आपका डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये दोनों क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल की पोजीशन जब वो पी पर था और पार्टिकल की पोजीशन जब वो क्यू पर था, कोऑर्डिनेट से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। चलेगा ना सबको, इसमें डाउट तो नहीं आएगा। तो चलो क्वेश्चन करो खटाक से। लिखवाऊं, लिखिए, अ पर्सन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ पर्सन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन याद है ना सबको, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब पता है ना, हाँ। अ पर्सन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 5√2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन 5√2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट
करो माइनस फाइव रूट टू, फाइव रूट टू माइनस, बावड़े हो गए क्या? ढंग से करो, डायग्राम बनाओ, कैसी कैसी बातें करते हो बे। मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया है? पहले गया 5 मीटर ईस्ट और उसके बाद में 5 रूट टू, अच्छा 5 रूट टू वेस्ट, 5 रूट टू नॉर्थ वेस्ट, 5 रूट टू नॉर्थ वेस्ट कर लेना बेटा। पहले 5 मीटर ईस्ट, उसके बाद में 5 रूट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? हाँ, अब ठीक। आ गया सबका? हाँ, 5 नॉर्थ इज राइट। आ गया क्या? बहुत टाइम लगा रहे हो यार। चलो मैं करवाऊं यार, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें ऐसा क्या ही बता दिया मैंने? पहले कहां गया बोलो? 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट मैंने सही बनाया क्या? तो ये 5 मीटर ईस्ट आ गया। इसके बाद क्या बोला? 5 रूट टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है बेटा? इससे कंपेरिजन में बोल क्या बेटा? ये हो गया, ये कितना गया? 5 रूट टू। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये एंगल कितना? 45 डिग्री। अबे जानते हो ना, ये यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यार। एक तो बोलते भी नहीं हो। yes, ये डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये 5√2 ही तो होता है, जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 मीटर। और अगर ये 5 मीटर आ गया ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ, या बोल दो जे कैप, तो जब आप इसमें डेल्टा आर लिखोगे तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या लिखोगे? 5 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो सिर्फ 5। अरे बोलो बे, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सिर्फ 5 आएगा। और वहीं अगर आपसे वेक्टोरियल पूछेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 जे कैप। सबको दिख गया? दैट्स इट। कर लोगे ना ऐसे सवाल? सबको आ रहा है समझ में? श्योर हो? हाँ, एनएम तेरे को समझ में आ गया पक्का? हाँ। और भाई निधि, सब ठीक है? नेक्स्ट लिखो बेटा, क्वेश्चन करो। अ व्हील, व्हील समझते हो ना? हाँ, अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड, फुल स्टॉप। अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है? जैसे कार चलती है उसी स्टाइल में एक पहिया जो है वो चल रहा है, फुल स्टॉप लगाइए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट when it rolls down, find the displacement when it rolls down 2.5 turns। ढाई चक्कर जब घूम लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। करिए। आर, आर रेडियस आर ले लो भाई। करो करो, अंडर रूट ऑफ 5 पाई आर का 4 आर का होल स्क्वायर या 4 आर स्क्वायर?
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक करो करो भाई करो करो। आंसर तो नहीं आ रहे हैं लोगों के, लोगों को लगता था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। टू आर नहीं बेटा, हाँ अंडर रूट टू आर स्क्वायर प्लस फाइव आर, ये भी अंडर रूट में। ठीक है किस किस को नहीं आया चलो करने की कोशिश करेंगे। सुनो एक पॉइंट पकड़ ले बेटा नीचे, इसका नाम रख ले पी, इसका क्या नाम रख ले, कितने चक्कर कटाने, ढाई चक्कर। अच्छा जब ये पूरा एक चक्कर ऐसे काट लेगा तो ये व्हील आगे बढ़ जाएगा। पी पॉइंट जो है ना बेटा वो कितना ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस डिस्टेंस टू पाई आर। तो एक चक्कर में टू पाई आर, दो चक्कर में फोर पाई आर, तो ढाई चक्कर में फाइव पाई आर। अबे ये तो सर्कमफ्रेंस घूम रहा है ना पी पॉइंट, हाँ या ना। तो पी पॉइंट का पूरा चक्कर जब पी पॉइंट यहीं पर काट के और यहीं आ जाएगा तो एक चक्कर में कितना घूम जाएगा, टू पाई आर, दो चक्कर में फोर पाई आर, ढाई चक्कर में फाइव पाई आर। इसमें क्या हो गया, कौन सा नया फॉर्मूला लगा दिया। अबे आगे बचा है अभी, रुक जा, वो हमने इसकी लीनियर डिस्टेंस निकाली है, कितना घूम गया। अभी इनिशियल से फाइनल कंपेयर थोड़ी किया है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोल, टू पाई आर, एक चक्कर। अब बेटा जब दूसरा चक्कर भी काट लेगा तो एक और टू पाई आर आ जाएगा, बोलो। और जब आधा चक्कर और काट लेगा तो यहां पहुंच जाएगा ना, अब इसको नीचे थोड़ी बनाऊंगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी अब, पाई आर। बोलो भाई, पहले तो बोलो डायग्राम समझ में आया, हाँ या ना। अभी फील आ गई क्या करना है, तो टू पाई आर पाई आर, ये तो इसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है पी पॉइंट का, यस और नो। वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियली यहां था और फाइनली यहां है, बोलो सही है। ये कितना हो गया बेटा, टू आर। पी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है क्या बेटा, वो असल में ये है, जल्दी बोलो। इनिशियल और फाइनल पोजिशन ही कंपेयर करते हो ना, पी यहां से शुरू हुआ था यहां खत्म हुआ, अभी दिख गया सबको। पी की शुरुआत कहां से हुई थी, नीचे से, एक पूरा चक्कर काटा तो यहां पहुंचा, दूसरा पूरा चक्कर काटा तो यहां पहुंचा, और तीसरा आधा चक्कर काटा तो ऊपर पहुंच गया। यार एक तो बोलते नहीं हो, ऊपर पहुंच गया कि नहीं, तो अगर ये ऊपर पहुंच गया तो इसका इनिशियल से फाइनल पोजिशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है ना, लीनियरली टू पाई आर पाई आर, ये कितना हुआ, फाइव पाई आर, ये कितना हुआ। तो ये नहीं निकाल सकता पाइथागोरस से, बस यही तो निकालना है। अभी आया समझ में, थोड़ा टफ क्वेश्चन था है ना, जिनको लगता है कि आसान सा था तो वो आसान नहीं था बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भारी सवाल था। तो आप लोग जब इसमें ये निकालेंगे इसका आर, तो इस आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ फाइव पाई आर का स्क्वायर प्लस टू आर का स्क्वायर। क्या सबने देख लिया, सबको दिख गया, अब आ गया आंसर, समझ में आया, कुछ फील भी लाई क्वेश्चन की, सोच रहे हैं अभी तो कुछ लोग हुआ क्या है, ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, बता तेरे इस मर्ज की दवा क्या है, हैं? डॉक्टर लोग अगर ऐसे पूछे अंदर गुस्से ही तो कितना मजा आए ना, बोल दिले नादान हुआ क्या है, हैं? पर ऐसा करते नहीं है ना डॉक्टर लोग, करते हैं क्या ऐसे, नहीं मामू लेट जा तेरी तो वाट लग रही है, हैं? ना भाई पिक्चर बढ़िया थी, कुछ भी कहो है ना, यस सर। अगला सवाल करिए, अ कार मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अ कार मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट 6 मीटर नॉर्थ, देन फाइनली 8√2 टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट 6 मीटर नॉर्थ एंड फाइनली 8√2
मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. पांच मीटर ईस्ट, छह मीटर नॉर्थ, आठ रूट दो नॉर्थ ईस्ट. वेक्टर में आंसर बता. बिल्कुल ठीक. हो गया, क्या आया, आ गया. थर्टी नाइन प्लस, बिल्कुल ठीक आ गया. कोशिश कर रही है, कर कर. नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. टफ हो गया क्या सवाल? टफ सवाल दे दिया क्या? आंसर नहीं आ रहा ना तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं. अच्छा बताओ, सबसे पहले R1 वेक्टर मान ले, क्या दिया हुआ है, सिक्स या फाइव? फाइव आई का, ठीक है भाई. R2 वेक्टर है, सिक्स जे कैप, बोलो जे कैप है ना. चलो ठीक है, आर वन आर टू तो आ गया अपने पास में, कहां कहां जा रहे हैं. आर थ्री क्या है? एट रूट टू कहां पे? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन होती है ना, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू. क्या कर रहे हो सर आप, दिखा किसी को भाई. देखिए ये लिखा हुआ है, दिस इज वॉट, दिस इज एट रूट टू. बोलो, एट रूट टू नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला एंगल कितना, 45 डिग्री. तो इसको कॉम्पोनेंट करके लिख सकता है, इसको कॉम्पोनेंट करेगा, यहाँ कितना आएगा, एट रूट टू कॉस 45. एक तो बोलते नहीं हो, और यहाँ क्या आएगा, एट रूट टू साइन 45. हेलो, पहली क्लास है, कुछ तो शर्म करो, बोला तो करो. साइन और कॉस में भी गड़बड़ है क्या तुम्हारे साथ? साइन 45, कॉस 45, वेरी गुड. ये कितना बचेगा, आठ. ये भी कितना बचेगा, क्या ये एट जे कैप? बोलो, ये एट आई कैप. अब देख यहाँ पे, रूट टू कट गया, क्या बचा, एट आई कैप प्लस, यही तो बचा. समझ गए क्या निकालना है तेरे को, डिस्प्लेसमेंट. सबको जोड़ दे, आंसर है. आर वेक्टर जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट आई कैप प्लस एट जे कैप. अबे पॉलीगन लॉ नहीं लगाते थे अपन वेक्टर में, ये वही तो है असल में. सोचो तो, फाइनल पोजीशन से ही तो जोड़ना है इनिशियल को. इनिशियल से जब फाइनल जोड़ते थे, अब इसको इमेजिन कर, जो मैंने तेरे को तरीका बताया उसको. क्या आंसर आ गया, पांच और आठ तेरह, और छह और आठ चौदह. तेरह प्लस चौदह आंसर है, देख लो. थर्टी नाइन प्लस फोर्टीन. अब देख क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, ध्यान देना. अब डायग्राम में ग्राफिकल मेथड, फाइव आई कैप बता सही है. अरे तो बोलते ही नहीं हो यार, फाइव आई दिख रहे हैं तेरे को, छापने में मत लगना, अभी रुक जाओ, देख लो बाद में छप जाएगा. छपोड़े हैं एक नंबर, ये कितना है, और उसके बाद क्या है, यही दिया है ना, और उसके बाद क्या है, ये ऐसे जा रहा है एट रूट टू, यही दिया है ना. हम मान ले इस वाले पॉइंट पे था, और इनिशियली इस वाले पॉइंट पे था, ठीक है. अब ये और ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन इसका और इसका सेम नहीं है. ये वाली लाइन मतलब ऐसे ही है, ऐसे मिली हुई लाइन नहीं नहीं है. पहले तो ये समझ ले, ये पांच है और ये कितना है बेटा, छह. जबकि ये वाला एंगल कितना है तेरा, 45 डिग्री है. क्लैरिटी हो रही है ना? हाँ, तो चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा बना दे, जिससे कि तेरे को नजर आ जाए. इस पांच मीटर को यहां से ले ले, छोटा है ना छह से, तो इसको पांच मीटर को मैंने यहां से ले लिया. अभी ठीक है, अब सबको दिख रहा है. अब ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, ये क्या था, इन दोनों को आपस में जोड़ो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. यस और नो, समझ रहे. अब अगर ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है,
तो आपने क्या किया है, बेसिकली ये एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, इनिशियल फाइनल जोड़ दिया। अरे बोल दे यार, इसकी लेंथ क्या आती थी, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता था। ये जो लेंथ आती थी ये फाइनली क्या आती थी, याद कर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, कुछ याद है? ये वही तो है। तो इस क्वेश्चन को सोचने का एक और नायाब तरीका, ऐसे नहीं सोचते लोग, और अगर ऐसे बता भी देते हैं ना तो वो पॉलीगन लॉ के बारे में नहीं जानते होते, उन्हें पता ही नहीं है कि असल में डायग्राम ऐसा होता है और इसको ऐसे सोच सकते हैं। जब सोचते हैं तब पता लगता है कि अच्छा पॉलीगन लॉ, नहीं तो पॉलीगन लॉ पे लोग बोलते हैं एग्जाम्पल ही नहीं होता, ये तो कोई लॉ ही नहीं है। इतना जोरदार एग्जाम्पल है, देख अभी कुछ फील आ रही है, क्या हुआ? कई लोग तो सोच रहे हैं कौन सा एग्जाम, गिव अप करने की तो नहीं सोच रहे सब देख के, फिजिक्स तो अब चालू हुई है। आज बहुत सारे बच्चे सोचेंगे चलो भैया ये मास्टर ही खराब है है ना। चलो हो गया बेटा, अब ये समझ में आ गया। तो इसको करने का सीधा सीधा तरीका क्या होता है, सारे वेक्टर लिख लो, पर वेक्टर लिख लो। अब अगर मान ले तेरे को ये लिखना ही नहीं आता कि 8√2 अगर नॉर्थ ईस्ट मैंने दिया है उसको वेक्टोरियली कैसे लिखूं, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। यू हैव टू नो कि आप लोगों को जो भी डायरेक्शंस के साथ में मैग्नीट्यूड अटैच करके दिया गया है उसको वेक्टोरियली कैसे लिखना है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इस वाले तरीके से, विच इज द इजिएस्ट मेथड जो आपके जीवन में होता है। अगर दो दे रखे होते हैं ना तो अपन लोग सीधे निकाल लेते हैं, दिक्कत नहीं आती। दो से ज्यादा जैसे ही होता है ना वहां पे अपन लौटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपने को लौटना, हाँ या ना, लौटोगे? नहीं ना बेटा, एनाकोंडा हो क्या, सांप लेवल के तो रहे नहीं तुम लोग। हाँ चलो नेक्स्ट करो। हो गए वैसे तो काफी, और क्या करूंगा, है ना, बहुत है और क्या, टफ सवाल भी हो गया, सारे हो गए, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो स्पीड स्पीड स्पीड, एकदम तेज स्पीड के साथ में हेडिंग डाल लो स्पीड। क्या हुआ, क्या बोल रहा है ना, अरे वो तो मैं तुमको सोचवा रहा था कि कहां से आया, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये बात आती है बेटा कि R1 plus R2 plus R3 क्यों कर दिया, जबकि हमें करना तो ये चाहिए था कि फाइनल माइनस इनिशियल करके दिखाते, ऐसा लगता है लोगों को। तो इसीलिए तुम्हें ये वाली बात जो है वो बतानी जरूरी होती है। ये करने के बाद टफ लगा तुझे, ये तो तेरे को तूने बस वो रट रखा था कि ऐसे करके आंसर आता है, ठीक है। हाँ तो यही तो मैंने बताया था, पर उसके पीछे फंडा क्या है, तो वही तो बोल और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि वो कहां से आया, वो यहां से आया बेटा, पॉलीगन लॉ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर तेरे को यूनिफॉर्म नहीं मिली क्या, कब से दे रखी है, धोबी तो नहीं आ रहा क्लास में तेरे साथ है? हाँ दो मिली है तो भी, मतलब दोनों भी दे दी तो भी कब से दे रखी है भाई, कल भी नहीं था, परसों नहीं होगा, परसों नहीं होगा, नहीं फिर नर्सों नहीं होगा, इतनी क्या धुलवाता है तू नहीं मतलब एक टी शर्ट तीन चार दिन तो पहनी जा सकती है, डीओ मार के चार दिन में क्या हो गया, ऐसा कुछ गलत हो गया, रोज अगर नहाते हो तो तीन चार दिन चल सकती है, और रोज अगर नहीं भी नहाते तो हफ्ते दो हफ्ते कितना ही पहनो फिर फर्क ही क्या पड़ता है। डीओ किस लिए बनाया गया, इसलिए कि अपने आसपास के लोगों को अच्छा महसूस हो, नहीं
डीओ का मेन कारण यही था। और सर्दियों में ही डीओ के एड ज्यादा क्यों आते हैं, मैं सर्दियों में ज्यादा नोटिस करता हूँ। खैर, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये तो आप लोग जानते ही हैं बेटा। स्पीड जो है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार की स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं, एक तो एवरेज और दूसरी हम लोग करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस। जो आपकी एवरेज स्पीड होती है उसको हम लोग लिखते हैं बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टोटल क्वांटिटीज के साथ खेलना। और वहीं बेटा जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बेटा डीएस बाय डीटी। एस जो है वो यहां पर डिस्टेंस है, टाइम का फंक्शन। एस जो है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम डिपेंडेंट डिस्टेंस आपको दे रखी है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, पॉइंट किसी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करता है। ध्यान रखें ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, और इसीलिए किससे डिफाइन होगी, डिस्टेंस से डिफाइन होगी, समझ गए। तो एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब, दो चीजें हैं आप लोगों की दुनिया में, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अच्छा बताएं इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना, स्केलर के वेक्टर है तो लिखते रहो जल्दी से, मीटर पर सेकेंड स्केलर। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्या पॉजिटिव और जीरो। तू ब्रैकेट में एक और चीज लिख लेना, रेस्ट वाले का डिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है, ऐसे लिख लेना तू। मीटर पर सेकेंड स्केलर पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव वेगेटिव इसकी अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझ गए। तो चलो मान लो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया जिसके अंदर आप लोगों को ऐसा बोला कि एक पार्टिकल था वो किसी ए पॉइंट के ऊपर मौजूद था, ए से लेके बी जाता है, बी से लेके कहाँ जाता है बेटा, वो सी जाता है। ए से लेके बी की डिस्टेंस एक्स थी, बी से लेके सी की डिस्टेंस भी क्या थी बेटा, एक्स थी। ए से लेके बी जाने में उसको टाइम लग रहा था टी, और बी से लेके सी जाने में उसको टाइम लग रहा था बेटा टी टू, इसको मान ले एक्स वन, इसको मान ले एक्स टू। तो ऐसे में एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, अरे जल्दी बोल, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना आ जाएगा बोल, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन, क्या इसमें किसी को कोई भी दर्द हुआ, अगर बेटा इसमें दर्द हो रहा है तो मैं और दर्द करूंगा अब आपके जीवन में, इसमें तो नहीं होना चाहिए दर्द, नहीं हुआ ना, तो चलो ठीक है। अब आप लोगों को क्या दे दिया बेटा, सुनो, ये ए था, ये बी था और ये सी था। आपको बोला कि ए से बी गए हम विद अ वेलोसिटी वी वन, बी से सी गए बेटा विद अ वेलोसिटी वी टू, ए से बी में टाइम लग रहा था टी वन, बी से सी में टाइम लग रहा था टी टू, और ए बी और बी सी जो है वो बराबर है, है ना, या चलो अभी बराबर नहीं लेते, अभी तो अपन एक्स वन एक्स टू ही मान लेते हैं, पर वो वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ए से बी अपन लोग वी वन स्पीड से जाते हैं, टाइम कितना चलते हैं टी वन, बी से सी हम लोग वी टू स्पीड से जाते हैं, टाइम कितना चलते हैं टी टू, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हाँ ठीक है, आ गया। चलो बेटा इसमें शुरुआत कहां से होगी, डिस्टेंस निकालने से, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले टोटल डिस्टेंस और उसके बाद में क्या निकलवाता है बच्चों, टोटल टाइम। तो अगर अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की कहानी खेलेंगे तो यहाँ डिस्टेंस मान ले वाली क्या थी एक्स वन, तो अगर ये डिस्टेंस जो है बेटा वो एक्स वन है और ये वाली डिस्टेंस क्या है एक्स टू, तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, यार बोलते नहीं, अगर डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गई तो आप डिस्टेंस क्या लिखोगे एक्स वन, बोलो वी वन टी वन, और बेटा एक्स टू क्या लिखोगे वी टू। तो आपके पास में बेटा जब आप लोग एवरेज स्पीड लिखने जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टी वन प्लस, अब इसके अंदर मान ले बेटा कि आपकी जो टाइम इंटरवेल है वो बराबर कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
मैंने बोला टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू कुछ टी मान लिया है ना, अगर टाइम बराबर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। अबे यहां पे टी कॉमन और नीचे क्या लिखा है टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा वी वन प्लस वी टू बाय टू, हाँ या ना आंसर, ठीक है ना। अगर इक्वल इंटरवल्स को हम लोग चल रहे होते हैं है ना, तो हमारे को सीधे एवरेज निकालने का जो तरीका है वो क्या है, जोड़ो और डिवाइड बाय टू कर दो, समझ गए ना, सीधे एवरेज ले लो, जितनी भी स्पीड दे रखी है सबको जोड़ो बटा दो कर दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, मतलब बटा एन कर दो बेसिकली, दो से मतलब है जितनी भी है डिवाइडेड बाय जो नंबर है, ठीक है। अगला कराऊं क्या, नोटियाली है तो चलो करो। अब की बार दिया ये v1 है, ये x1 है, ये v2 है, ये x2 है, एवरेज स्पीड टाइम नहीं दिया है, ये v1 ये x1 ये v2 ये x2, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, x1 x2 कहां से आ गया आंसर में, अभी इक्वल नहीं ले रहे ऊपर कहां से x1 x2, अच्छा तुमने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया क्या ऊपर उछाल के, एलसीएम एलसीएम लेके सब पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा बताइए इसमें क्या आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम जो गिवन नहीं था क्योंकि एवरेज के अंदर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखना है, टोटल टाइम। तो अगर बेटा x1 x2 अलग अलग है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बोलो, x1 plus x2 टोटल डिस्टेंस, और टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलते भी नहीं, टाइम की वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस कितना बेटा x1 अपॉन v1 प्लस, बस यही आपका आंसर आ गया समझ में। अब इसमें x1 x2 बराबर हो गए तो क्या आएगा, अगर इसके अंदर मैं स्पेशल केस बनाऊं बेटा जिसमें x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x मान लूं, तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर क्या बनेगा 2x, बोलते ही नहीं हो, यहां पर क्या बनेगा बेटा v1 v2 का LCM आ जाएगा, यहां आएगा v2 यहां क्या आएगा, और ये ऊपर उछल के जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, तो जो एवरेज स्पीड आती है वो क्या आ जाती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ जाती है बेटा, नोट कर लीजिए। हाँ जी डन, चलो अगला करो। देखो अ कार कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेज, अ कार कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेज विद वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन, अ कार कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेज विद वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन स्पीड्स, ठीक है, मतलब पहला x कितने से चल रहा है v1 से, दूसरा x कितने से चल रहा है v2 से, तीसरा x, तो ऐसे जो nth वाला x है वो कितने से चल रहा है vn से, क्लैरिटी है ना। आगे लिखिए फाइंड द एवरेज स्पीड, आ गया बेटा, बेसिक अप्लाई करो, कुछ नहीं है, अभी जो क्वेश्चन दिया उसी की तरफ देखो, ये दोनों बराबर दे दिए ना, इन दोनों को क्या दिया है और ऐसे एन दे दिए, तो तुम ही सोचो अब क्या आना चाहिए, एन अपॉन
एन अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, बोलो आएगा कि नहीं? सीधा सीधा आंसर है ना बेटा इस बार तो। भाई तुम लोग इसी वाले को देखो, इसी वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। ये एक्स और एक्स क्या कर दिया हमने, बराबर। ये तो तुम लोग नोट कर चुके थे ना। चलो यहाँ देखो, इन दोनों एक्स को क्या कर दिया, बराबर। यार बोलते ही नहीं हो। Yes, तो ऊपर क्या आ गया बेटा, 2x ऊपर क्या आ गया। अच्छा ये वाले x भी क्या हो गए, बराबर। तो नीचे भी क्या बेटा, 2x आ गया। बावड़े हो क्या, जोड़ दिया x प्लस x। नीचे v1 v2 तो दिखाई नहीं, तो ऊपर क्या लिखा है बेटा, बोल, 2x, यस और नो। और नीचे लिखा हुआ था, ध्यान देना, क्या x कॉमन ले ले, 1/v1 प्लस 1/v2, हाँ या ना? अभी भी आया थोड़ी होगा तेरे को ये। x कॉमन ले लिया, क्या लिख दिया, 1/v1 प्लस 1/v2, समझ में आया? क्या ये और ये कट जाएगा, काटो तो क्या लिखा हुआ है आंसर, 2/1/v1 प्लस 1/v2, यस और नो? अब मैंने कितने दे दिए ऐसे x, n, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी उसके अंदर ऊपर तो n आ गया और नीचे को क्या आ गया, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस अप टू 1/vn, खत्म, यही आंसर। नहीं आया समझ में, आ गया ना बेटा, पक्का? कुछ कुछ आया या पूरा आ गया? पूरा आ गया ना, श्योर हो? ऐसे मुंडी मत हिलाना, देखो समझ नहीं आया तो पूछ लेना बेटा। एनीवेज अगला सवाल, इसमें n की वैल्यू 3 होती तो आंसर क्या होता, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 4 होते तो 4/1/vn प्लस 1/v2, यही तो करना था यार, कर लेते ना। तो जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्या बता दिया अपन ने, जनरल फॉर्मूला, कौन सी कंडीशन के लिए, ये अलग अलग x, ये चला v1 से, अगला x कितने से चला, और इस तरह के कितने x हैं, n तक जा रहे हैं अप टू vn, समझ गए आप? तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो आसानी से कर लोगे, नहीं भी रखा तो भी बेसिक तो आता ही है। अगला करो, अ कार कवर्स x1 x2 x3 अप टू xn विद v1 v2 v3 अप टू vn। A car covers x1, x2, x3 up to xn with v1, v2, v3 up to vn in equal time intervals. In equal time intervals. Full stop. Find average speed. तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है ना, तुमको पहले ही सवाल करवा दो, उसके बाद में वही सवाल वापस भी करवा दो तो भी तुमने कसम खा रखी है ना। ब्लैक मांबा जानते हो क्या होता है, ब्लैक मांबा सांप, सांप की एक प्रजाति होती है ना, क्या होता है उसका मुंह अंदर से ब्लैक होता है, इसलिए उसे ब्लैक मांबा बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये मेरे को नहीं पता, मुझे ये पता है कि सांप की एक प्रजाति होती है और उसका नाम सुनने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। पढ़ लो, बोलो क्या आएगा, ये मैं करवा चुका, पहला सवाल यही था भाई। अब की बार टाइम बराबर कर दिया ना, तो टाइम बराबर वाला केस भूल गया ये रहा। यही तो है, टाइम बराबर कर दिया तो क्या आया, v1 प्लस v2 बाय 2 आया था कि नहीं, ये देख ऊपर। तो जितनी अलग अलग स्पीड उनको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितने भी दी हुई है स्पीड उनसे, तो बोलो इस बार क्या आएगा। हाँ, v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय n। नहीं आया समझ में, अगर दो दूंगा तो आंसर क्या आएगा, v1 प्लस v2 बाय 2, तीन दूंगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3, हर बार अपॉन 2 थोड़ी कर रहे हैं, समझ गए?
अब पता लगा अपॉन टू ही रट लिया। अगला करो चलो सवाल, तुम लोग यार पता नहीं क्या करते रहते। क्लास कितने बजे तक है? 3:30। तो क्लास इलू वाला पीएसएस कर लेता है, उसी में सवाल करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ पीएसएस की तरफ, क्लास इलस्ट्रेशन ही है तो चिंता मत करो, पीएसएस ही हो। आओ भाई करते हैं बेटा क्वेश्चन, है ना? तो हेडिंग डाल लेना क्लास इलू पीएसएस। चलो शुरुआत करें। सवाल, अ कार कवर्स, इसमें नहीं है बेटा ये वाले सवाल, ये मेरी तरफ से है आपके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है? चलो, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड हाफ, एंड सेकेंड हाफ विद 20 मीटर पर सेकेंड। पहला हाफ 10 से, दूसरा हाफ 20 से, एवरेज स्पीड। क्या अबे गलत है, तुम अपना अपना निकालो, सुनो मत लोगों से। क्यों जल्दबाजी कर रहे है भाई? हाँ हाँ, एवरेज एवरेज स्पीड, औसत गति निकालनी है बेटा, औसत चाल। फोर्टी बाय थ्री इज राइट। लोग बोले 10 और 20 30 30 बटा 2 15। अब दिमाग में ऐसी ही चीजें आती हैं और ऑप्शन भी पहला यही होता है। 40/3 इज राइट बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या ये इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है? इक्वल डिस्टेंस अगर दो दिए जाते हैं तो हम लोग सीधे सीधे क्या लगाते हैं, जल्दी बोल, 2v1v2 upon v1 plus v2। यार बोल ही नहीं रहे। इधर देखिए बोर्ड पे करा रखा है मैंने, ध्यान दे, ये रहा कहां चला गया, इधर 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 देखो, इधर कहां चला गया, ये रहा। इक्वल डिस्टेंस सब किया मैंने, x1 बराबर x2 बराबर x किया, तो v एवरेज क्या आया, 2v1v2 upon vn plus v2। अभी कराया ना, और अभी मैंने सवाल दिया, एक आदमी 15 उछल गया। क्यों जल्दबाजी किस बात की है यार, ऐसा क्या, कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी? अप्लाई कर लोगे? क्या आंसर आ रहा है? 40/3 अराउंड कितना होता है? 13.33 यही होगा ना, 40/3 डन। अगला, तुम लोग इसी में घूमे रह जाओगे, लिखो बाहुबली। नाम है आदमी का, नाम बाहुबली नहीं होता क्या? पिक्चर नहीं देखे हो चश्मा लगा के? क्या बोल रहे है? अबे जीरो भी कटेगा। कोई बात, हाँ तो बाहुबली इज वॉकिंग, बाहुबली इज वॉकिंग, इंसान है, उड़ेगा नहीं। बाहुबली इज वॉकिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, अरे घर से दफ्तर जा रहा है। बाहुबली इज वॉकिंग फ्रॉम होम टू एट 300 मीटर पर सेकेंड। बाहुबली है तो कुछ तो स्पेशल होगा, एट 300 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 300 छलांगे मार रहा है, ठीक है? एंड फ्रॉम ऑफिस टू होम, एंड फ्रॉम ऑफिस टू होम along the same path, and from office to home along the same path at 400 meter per second, and from office to home on the same path at 400 meter per second। तो जा रहा था 300 से, दुखी लौटा तो बहुत खुश, क्योंकि पीछे कौन इंतजार कर रहा था, रानी, है ना? हाँ, तो 300 से गया, 400 से आया, find the average speed। फिर गड़बड़ है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
यार क्या कर रहे हो यार, तुम बावड़े हो क्या बिल्कुल ही। बेटा 24/7 300 और 400 दिया मैंने स्पीड्स, पता है ना तुम्हें। करो जल्दी करो तुम जल्दी। क्या आएगा वापस, डिस्टेंस तो सेम है तो यही वाला तो केस हो गया। अब की बार क्या हुआ, बस अब की बार फर्क इतना सा पड़ा कि अपन लोग यहां पर गए ऐसे x और लौट के भी आए तो, अरे जल्दी बोलो, ऐसे गया तो ये आपका क्या था बेटा घर, और यहां पर क्या था आपका जा कौन रहा था आपका बाहु, इसका क्या नाम है बेटा बाहु, बहु नहीं है बाहु है वो, है ना। हाँ, अभी बहु बना दो। जा रहा था 300 से और आरेला था 400 से, तो बेटा ये वही केस तो हो गया। क्या लगाओगे 2v1v2 अपॉन, वापस से सेम केस अप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 300 × 400 डिवाइडेड बाय 300 + 400। सॉल्व कर लिया आपने, अराउंड 340 कुछ आ रहा होगा, 2400/7 बोल रहे हो ना। हाँ तो अराउंड 340 तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी, इसमें जितनी वैरायटी बन सकती है ना मैं सब करा दूंगा, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन को देख के अटक रहे हो तो मेरी गलती नहीं है, और क्या है ना। तो लिखो, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद 20 m/s, 20 m/s फर्स्ट हाफ, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद 20 m/s एंड रिमेनिंग हाफ इन टू इक्वल टाइम इंटरवेल्स, एंड रिमेनिंग हाफ इन टू इक्वल टाइम इंटरवेल्स विद 11.5 m/s विद 11.5 m/s एंड 16.5 m/s रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड। बहुत देर लगा दी, 280/70 किस किस का आ गया, किस किस का नहीं आया, काफी लोग बचे हैं, ठीक है। अच्छा बता क्या क्या दिया हुआ है, डेटा क्या है क्वेश्चन का, डेटा के अंदर यह है कि पहला हाफ कितने से कर रहा है बेटा 20 m/s, है ना। दूसरे हाफ में ऐसा बोला कि दो इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अलग 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 स्पीड से जाता है, ठीक है। पहले कितने से जाता है 11.5 m/s से, और अगली वाली 16.5 m/s। ये आपका पहला हाफ ऑफ द जर्नी है और ये आपका सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी है, ऐसा ही बताया। अच्छा बताया, ये जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वाला पोर्शन है, क्या इसकी आप लोग एवरेज अलग से निकाल सकते हैं, निकाल लो। यही करना था इसमें, यही खेल था इस वाले क्वेश्चन में, जो खेल था ना बेटा वो यही था। जो आपका सेकेंड पोर्शन दिया हुआ है ना, जिसमें आपको ऐसा बोल दिया कि ये भी ट्रेवल टी से कर रहा है, ये भी ट्रेवल टी से कर रहा है, बस स्पीड जो है वो क्या है बेटा अलग अलग,
तो इक्वल टाइम इंटरवल्स वाले के अंदर हम लोग एवरेज कैसे निकालते थे, v1 प्लस v2 बाय 2, यस और नो? तो इतने पोर्शन की एवरेज निकाल ले, तो जब आप इतने पोर्शन की वी एवरेज निकालते हो तो वो कितनी आ जाती है, 11.5 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाय 2, 28 अपॉन 2 मतलब 14, दिख गया सबको? पर ये कौन से पोर्शन की है, ये इतने पोर्शन की है। अब आपको पता है ये और ये वेलोसिटी, ये और ये वाली डिस्टेंस जो है वो बराबर है। अब आपकी पूरी टोटल ओवरऑल एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आएगी, अरे बोल भाई, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस वाला सवाल है, बोलो भाई, इक्वल डिस्टेंस है तो 2v1v2 यानी 2 into 20 into 14 अपॉन 20 प्लस, ये आपका आंसर। क्वेश्चन आया समझ में? सोच लो, वापस बोल रहा हूं, डाउट है तो पूछ लो, डाउट किसी भी प्रकार का, बालक डाउट पीछे थोड़े तो कर नहीं पड़ते क्या बेटा? हाँ करना तो पड़ेगा, याद नहीं करें तो बेसिक लगा देना, बेसिक मैंने तरीका तो बता ही ना तेरे को डिराइव करने का, पर तू अगर इतनी सी चीज याद रख ले कि जब भी इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला अप्लाई करता हूं तो कर लेना ना, क्या बड़ी बात हो गई बता, कर सकता है, इतना तो याद रख ही सकता है यार, नहीं रखेगा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीज याद भी रख लो तो चलेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है ना, है ना भाई? चलो लिखो अगला सवाल, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अ ट्रक कवर्स 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी, 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी, 1/3 है ना, अ ट्रक कवर्स 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स जर्नी बाय v1 स्पीड एंड द रिमेनिंग बाय v2। अ ट्रक कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी by v1 speed and the remaining by v2, full stop, find average speed of the truck, अब जो तरीका है ना बेटा वो बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, अप्लाई करो बेसिक अपना, या तुम्हें लगता है किसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है तो वो अप्लाई कर लो। कितना 3v1v2 अपॉन 2v1 प्लस v2 या v1 प्लस 2v2, v2 प्लस 2v1, तो मैंने 2v1 प्लस v2 बोल दिया, यही आ रहा है। हो गया क्या? सॉल्व कर ही रहे हैं अभी लोग। चलो मैं शुरुआत करता हूं, क्या दिया हुआ है बेटा आपको, 1/3 1/3 1/3 दिया हुआ है ना, बोलते ही नहीं हो, या 1/3 2/3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं मैं ऐसे करूंगा, ध्यान देना कैसे करने वाला हूं, नया तरीका सिखाता हूं, ध्यान दो, क्या पता आप लोगों ने देखा हो पर आज दोबारा देख लो। आ जाओ यहां से लेके यहां तक कितने से गया, v1 से, यहां से लेते यहां तक v2 से, और यहां से लेके यहां तक कितने से, v3 से। अरे रुक तो सही, कौन था, शुक्ला रुक जा, ध्यान दे, v1 v2 v3 1/3 1/3 1/3 x लिखते थे ना, x by 3 x by 3 x by 3, क्या बेटा सेम डिस्टेंस है अलग अलग स्पीड के साथ, फॉर्मूला क्या होगा इसका बताना एवरेज का। हाँ बोल, 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1, बोलो होगा कि नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला, आपने तो बताया ही नहीं सर, ये बताया मैंने, बताया था ना, n अपॉन 1 by v1 plus ये वाला दिख रहा है सबको,
इसमें एन की वैल्यू 3 डाल दे, एन की वैल्यू क्या डाल दे इसमें, अगर तू एन की वैल्यू 3 डाल देगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 अपॉन 1 बाय वी 1 प्लस 1 बाय वी 2 प्लस 1 बाय वी 3। बोल यार नीचे क्या बन जाएगा, 3 अपॉन यहां क्या आ जाएगा, वी 1 वी 2 वी 3 एलसीएम। अब यार अब बोला करो यार, नीचे क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब वी 1 वी 2 वी 3 को वी 1 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, वेरी गुड, वी 2 से करेगा तो, और वी 3 से करेगा तो, सही है। अब इन भाई साहब को ऊपर उछाल देगा तो बोल ये चीज और ये चीज मैच कर रही है क्या, मैचिंग मैचिंग हो गई, तो बस वही किया है। तो मैं बता चुका हूं, ऐसा डरो मत के बताया ही नहीं था, ये तो सब बताया हुआ है, दिख गया, गुड। अब आगे सुनो, डर तो नहीं लग रहा, पक्का चिल है ना तू, सीधी बैठ, सब लोग सीधे बैठ जाओ एकदम बढ़िया से, कमरे सबके सीधे हो जाएं, मतलब कमर सबकी सीधी हो जाए। अब यहां देखिए मजे की बात क्या है, V2 V3 बराबर है, ये यहां से लेके यहां तक कितने से चला, और यहां से लेके पूरा यहां तक कितने से चला, क्वेश्चन के हिसाब से यही तो हुआ है। तो मैंने तेरे को ऐसे ब्रेक करके बताने के पीछे कारण है, वो अब सुनना। अब तू यहां पर V2 V3 बराबर ले ले, V2 के बराबर, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो इसमें क्या बराबर ले लो, V2 और V3 जो है उनको बराबर ले लो। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने यहां पर क्या मान लिया, V2 इज इक्वल टू V3, और अब इसके अंदर पुट कर दे, ठीक है। मैंने V2 V3 को क्या मान लिया, V2 मान लिया, क्या लिख दिया बोल, तो बता अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3V1V2 का स्क्वायर, V2 V3 बराबर है ना बेटा, तो V2 इंटू V2 तो क्या बन जाएगा, अपॉन V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, V1 V2 बोलते ही नहीं हो, अबे V3 तो V2 ही है ना, V3 को भी क्या मान लिया, V2, और V2 तो पहले ही V2 था, तो V2 इंटू V2 कितना, V1 V2 और V3 V1 कितना, V1 V2, सही। बोल आगे क्या आ जाएगा, 3V1 V2 का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या लिखा है, 2V1 V2 प्लस V2 का स्क्वायर, ऑमन कॉमन लेना आता है, बोल क्या आएगा, 3V1 V2 स्क्वायर अपॉन V2 टाइम्स ऑफ 2V1 प्लस V2, बोल क्या सही है, ध्यान दे ये दोनों उड़ गए, आंसर कितना है, 3V1 V2 अपॉन 2V1 प्लस V2। फॉर्मूला रटने वालों तुम्हारे लिए जीवन दान, नहीं आया समझ, अबे आ गया होगा, जिनको फॉर्मूला याद रहता है उनकी बात कर, चीजों को करने के रास्ते अनेक हैं, पर आप लोग उस वाली चीज को कैसे अप्रोच कर रहे हो वो तो आपको डिसाइड करना है। बेसिक ही सही है, नहीं वैसे तो बेसिक भी क्या सही है, उससे भी आसान है, बेसिक से भी आसान बता रहा हूं, बताऊं अगर बोलो नहीं तो रहने दो, बता दूं, मतलब जिसे बोलते हैं ना संजीवनी बूटी, वो देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 1/3, इसके सामने क्या लिखो V1, ऐसे लिखो बेटा 2/3, और इसके सामने क्या लिखो बेटा V2, ध्यान देना बहुत जबरदस्त तरीका है, 1/3 के सामने क्या लिखो, 2/3 के सामने क्या लिखो, ऊपर हमेशा जो डिनोमिनेटर में लिखा हो ना बेटा वो लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखना, ऊपर हमेशा क्या लिख दो, जो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा है, और V1 V2 को क्या कर दो, नीचे में क्या करो, जो V2 के सामने न्यूमरेटर है उसको V1 से मल्टीप्लाई करो, जो V1 के सामने न्यूमरेटर है उसे V2 से मल्टीप्लाई करो। अबे ये वैलिड है हमेशा बेटा, इसमें ताली बजती है। कुछ करना पड़ा क्या तेरे को, और आंसर आ गया ना, ये गलत थोड़ी है भैया, सही है, ऐसे क्या देख रहे थे, ये क्या है, अबे ये सही तरीका है, पर ये डिस्टेंसेस के अंदर ही लगाना है जब ऐसा दिया हुआ हो, क्लैरिटी है ना,
दिस इज द बेस्ट मेथड. एक लाइन में आंसर आ गया. याद कितना सा रखना है तेरे को? डिनोमिनेटर ऊपर, V2 के सामने जो 2 लिखा हुआ है वो V1 से मल्टीप्लाई होगा, और V1 का जो 1 लिखा हुआ है वो V2 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के अंदर. खत्म. एक लाइन में आ गया ना आंसर. अब तू सोच 1/4 और 4/5 डिस्टेंस का सवाल होता तो आंसर क्या आता? एक लाइन में निकाल, जल्दी कर अभी. पहली डिस्टेंस 1/4, दूसरी डिस्टेंस 4/5, मतलब सॉरी 1/5 और 4/5, गलत बोल दिया मैंने, 1/5 और 4/5. वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2, 5V1 V2 अपॉन 4V1 प्लस. आंसर आ गया तेरा, अब तो चमका होगा. ये छोटी ट्रिक है कि बड़ी ट्रिक है? बेसिक अच्छा है कि ये और अच्छा है? क्यों नहीं आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पता याद आ जाए? तो तुमको ट्रिक नहीं बतानी ना फिर आगे से. नहीं पर अरे बेसिक तो अपन ने पढ़ाई है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने तेरे को बेसिक नहीं बताया यार. वो तो आता ही है तेरे को. तुमने आंसर बेसिक से निकाला, यस और नो? मैंने बोला फॉर्मूला रटने वालों लो देखो, क्या ये भी बता दिया? और उसके बाद में बोला सुन, मन में सॉल्व करने का तरीका ये रहा. क्या इससे बढ़िया कोई मेथड मिला आज तक? आज तो मिल गया, चिल मारो. अगला और करना है? नहीं, अब अगली क्लास में हम कराएंगे, है ना? चलो ठीक है, अगली क्लास में हम लोग वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. पहली वाली जो पीएसएस है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ठीक है? अगली क्लास में भी वैसे मैं क्लास इलस्ट्रेशन ही कराऊंगा आपको. ठीक है, बाय बाय. अरे बाय बोलो. बाय बाय.